हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ हमारे हिंदू धर्म की एक सभ्यता, एक संस्कृति या कह लीजिए कि एक परंपरा पर, जो इन्हीं दिनों मनाई या निभाई जाती है, पितृपक्ष। जी हाँ, पितृपक्ष, जिसे कि हम श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध हमेशा इसी मंथ में, जिसे कि भाद्र मास भी कहा जाता है, इसी में आते हैं, इसी में मनाए जाते हैं। और भाद्रपद की ये शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कृष्ण अमावस्या, पूर्णिमा से अमावस्या तक मनाए जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल का मतलब है जब चंद्रमा का आकार बढ़ता 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 पूर्ण पूर्णिमा जैसा हो जाता है, और कृष्ण पक्ष होता है जब पूरा चांद होता है और उसका आकार घटता 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 जाके बाद में अमावस्या आ जाती है। जैसे पहले फुल मून होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम क्रीसेंट, तो वो कृष्ण पक्ष गिना जाता है। जिस तिथि पर भी किसी प्राणी ने अपनी देह त्यागी होती है, अपने प्राण त्यागे होते हैं, उसी तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको ज्ञात ना हो या आप भूल गए हो या आपसे कोई भूल चूक हो जाए कि किसका श्राद्ध कब करना था या नॉलेज ना हो, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्राणी का श्राद्ध आप अंतिम श्राद्ध, जो कि अमावस्या का श्राद्ध होता है, उस दिन कर सकते हैं। और वो उस दिन मान्य माना जाता है, उस दिन वो लग जाता है। श्राद्ध की मान्यता ये है फ्रेंड्स कि ऐसा माना जाता है श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि में बरकत होती है, कलेश कम होते हैं। और लॉजिक क्या है या हमारे पितरों तक क्या पहुंचता है या क्या नहीं पहुंचता, वो लॉजिक एक तरफ होता है, लेकिन ये जो ये क्रिया है, ये भावनाओं से जुड़ी है, ये हमारे इमोशंस, ये हमारे फेथ, ये हमारी श्रद्धा से जुड़ी है। तो बहुत दिल से लोग ये करते हैं, ये मानते हैं, और करना भी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध में कुछ छोटे छोटे काम किए जाते हैं, परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे कि कौए को रोटी डालना। उसमें क्या रहता है कि पूरी या चपाती, सबसे पहली बात कि श्राद्ध में सफ़ेद रंग की बहुत मान्यता है। सफ़ेद रंग से ही जो पिंडदान रखा जाता है वो पेड़े का रखा जाता है, सफ़ेद रंग से ही रखा जाता है। और कौए को जो रोटी भी दी जाती है, वो पूरी पर खीर लगा के या चपाती पर खीर लगा के कौए को छत पर या कहीं डाल दी जाती है। और यदि कौआ जितनी जल्दी आके उसे ले जाता है, खाता है, उसे शुभ माना गया है। नॉर्थ इंडिया में श्राद्ध में दही बल्ले और खीर का बहुत ही महत्व है। श्राद्ध में ये पक्का बनने ही बनने होते हैं। इसके अलावा श्राद्ध में वो खाना भी बनाया जाता है जिस व्यक्ति का श्राद्ध हो रहा है, जो उसका जीते जी फेवरेट फूड रहा होता है। जैसे मुझे आज भी याद है कि श्राद्ध में मैंने सुना है कि खट्टा नहीं बनाया करते, लेकिन मेरी दादी जी को खजूर और इमली की चटनी बहुत पसंद थी, तो मेरी मम्मी बहुत ही प्यार से दादी जी के श्राद्ध पे आज भी खजूर और इमली की चटनी ज़रूर बनाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्राद्ध पितरों की आत्मा की शांति और शुभ के लिए होता है, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि श्राद्ध आप बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, जैसा भी कीजिए, लेकिन हालांकि ये सब पर लागू नहीं होता, फिर भी कहने का दिल है तो मैं कहूँगी कि जीते जी अपने माता पिता का, अपने बड़ों का जितना हो सके सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे नाइस रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। और माता पिता से मेरा मतलब केवल अपने माता पिता से नहीं है, माता पिता मतलब आपके सास ससुर, आपके जो भी बड़े हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी अगर आपके अपने घर के बड़ों से तो कीजिए कीजिए, लेकिन अगर आपके परिवार में और भी कोई बड़े हैं, कभी आपके सामने आते हैं, आपके पास रहने आते हैं, आपसे दो पल मिलते हैं, तो सबके साथ बी नाइस टू एवरीवन, बी डू योर बेस्ट, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ही ना रहे। बाद में भगवान ना करे अगर आप कभी किसी वजह से कोई श्राद्ध ना भी कर पाएं, तो भी ऊपर से उनकी ब्लेसिंग्स ही बरसें, है ना, खुशियाँ ही मिलें। और वैसे भी पितृ माता पिता या जो भी हमारे दादी जी परदादा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों का बुरा हो या कुछ। ऐसी ही एक मान्यता और है श्राद्ध के साथ जो जुड़ी है, वो मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग श्राद्ध में नई चीज़ नहीं खरीदते, नथिंग, कपड़ा नहीं, बर्तन नहीं। ये अब ये जो मान्यता है
ये पर्सनली मैं इतना नहीं मानती हूँ, मानती हूँ क्योंकि ब्लड में तो होता है, जो बचपन से सुना है वो हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं मानती हूँ। मुझे कुछ लेना पड़ जाए तो मैं ले लेती हूँ। और इसमें मुझे क्या लॉजिक लगता है कि जब पुराने ज़माने में श्राद्ध होते रहे होंगे तो बहुत बड़े स्तर पर होते थे, अभी क्या हो गया है, अभी तो 3-4 ब्राह्मण आते हैं, खाना खिला दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। पहले बड़े स्तर पर होता था, बहुत लोग खाना खाने आते थे, बहुत जगह पर भोज खाने जाना होता था ब्राह्मणों को। तो ऐसे में शायद एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, शॉपिंग मत जाओ, ये मत करो कि ये 16 दिन आप यही वाला काम करो, तो शायद ये रिवाज डिवेलप हो गया होगा। बाकी मैं इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे कहा है। तो हाँ, मानने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर 16 दिन कुछ नहीं लेंगे तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं खड़े होने वाला। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि पितरों के दिन हैं तो अशुभ नहीं होंगे, वो हमारा कभी अशुभ चाह ही नहीं सकते, उनकी ब्लेसिंग ही होगी हर चीज़ में। अब मेरी दादी जी हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, अगर मैं कुछ अच्छा लूँगी तो उन्हें खुशी होगी देख के कि मेरी बच्ची खुश है, अच्छा लेती है, अच्छा खरीदती है, अच्छा पहनती है, ऐसा मेरा। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना रिचुअल है, हर प्रांत का, हिंदुइज्म में भी, हिंदूज में भी अलग अलग तरीके से ये विधियाँ मनाई जाती हैं। कहीं पर ये श्राद्ध किए जाते हैं 16, कहीं पर हर साल बरसी की जाती है, कुछ लोग श्राद्ध ना करके पिंड तर्पण गया जी में कर देते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन बात एक ही है, श्रद्धा और मन की शांति की। तो आपको जैसे भाए, जैसे सूट करे, वैसे अपने रिचुअल्स ज़रूर करें, अपनी रूट्स को ना काटें, उसे भले ही थोड़ा मॉडर्नाइज कर दें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें, जेन्युइनली अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके हेल्प करें, भूखों को खिलाएं, लेकिन अपने अपने इस परंपरा को, इन संस्कारों को आगे सही तरीके से ज़रूर बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब पर, आप सब पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और सब अच्छा अच्छा होगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।